इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुराका इबन मालिक से ये फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन सदक़े के बारे में बताऊं। बेहतरीन सदक़ा ये है कि तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे पास वापस आ जाए। शादी कर दी बाप माँ बाप ने, शादी के बाद शौहर का इंतकाल हो गया और वो इंतकाल के बाद अपने बाप के घर वापस आ गई, या इसी तरीके से शौहर से तलाक़ हो गई इसलिए वापस आ गई, या जो भी हालात ऐसे बने कि वो अपने बाप के घर दोबारा आ गई। तो शादी से पहले जो है, जब बच्चियां अपने माँ बाप के घर में रहती हैं तो उनका हक होता है वो, और उनको भी कोई ऐसा बोझ महसूस नहीं होता, माँ बाप को भी नहीं होता। लेकिन एक बार शादी हो गई और शादी के बाद जब दोबारा लौट करके आती है तो वही माँ बाप का घर जिसमें पहले वो अपना हक समझती थी, अब वो घर उसके लिए बोझ बन जाता है। उसको जो है माँ बाप भी बोझ समझते हैं, बहन भाई भी बोझ समझते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई बाप अपने दिल को बड़ा करके ऐसी बच्ची के लिए शफ़क़त का मामला करे और उसके ऊपर ख़र्च करे तो ये सबसे बेहतरीन सदक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जी।